आप देख रहे हैं न्यूज टुडे NT24। खबर सबसे पहले। खबर गाजीपुर सेवराई से। एक तरफ जहां सरकार पेड़ पौधे लगाते हुए पर्यावरण की अलख जगा रही है, वहीं रोजगार सेवक ग्राम प्रधान और कुछ ग्रामीणों के मिली भगत से करीब 40 शीशम के पेड़ों को काट दिया गया है, जिसे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। तहसील क्षेत्र के मिश्रवरिया गांव में मनरेगा से हुए कार्य ने विवाद का रूप ले लिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान प्यार चंद राम, रोजगार सेवक गोविंद और कुछ ग्रामीणों के मिली भगत से गाँव के बाहर स्थित जोगिया वीर बाबा धाम पर लगे करीब 40 शीशम के पेड़ों को काट दिया गया है, जिसे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो कुछ लोग एकजुट होकर उल्टे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। इस बाबत APO मनीष सिंह ने बताया कि मनरेगा के तहत पेड़ काटने का कोई मामला संज्ञान में नहीं है, अगर शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जोगी बुआ का डेला है, जोगी बुआ का डेला पर फेड़ लगाया गया वन विभाग के अनुसार से। ये लोग राम गोविंद नियाज अहमद, इन्होंने बुलाकर और नरेगा को सब ढहावा दिए, पूरा बगीचा यहाँ फील्ड बनवाने के लोग फेर में पड़े हुए हैं। यहाँ बाबा के यहाँ कभी कुछ नहीं होता है, सब पूजा पाठ खाली होता है, यहाँ कुछ नहीं होता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पे फील्ड बनाया जाए या ना बनाया जाए? फील्ड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, खाली हम वृक्ष चाहिए और बाबा का मंदिर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो भैया वीर ब्रह्म बाबा बड़े फेमस ब्रह्म बाबा हैं और उनके खुद के नाम से इनकी अपनी ज़मीन है, जहाँ सैकड़ों पेड़ लगे हुए थे और नरेगा के माध्यम से बिना किसी परमिशन के इन सारे पेड़ों को काट दिया गया, जो कि किसी भी तरीके से सहनीय नहीं है। ये जोगी वीर ब्रह्म बाबा का स्थान है, जिसका रकबा करीब करीब 5 बीघा है। इसमें करीब 5 साल पहले हम लोग पेड़ लगाए थे शीशम का, कुछ और इसमें किसी प्रकार के मतलब बहुत और प्रकार के पेड़ थे। इसमें कुछ गाँव के मतलब दबंग टाइप के 2-3 लोग थे, आके पूरा JCB लगवा के पूरा पेड़ को कबड़वा दिए। कितने लोग लगाए गए थे और कितने पेड़ काटे गए हैं इसमें? पेड़ तो लगाए थे लगभग हम लोग 100 करीब लगे, पेड़ अभी तो फिलहाल में पेड़ 70 करीब काटा गया है, मोटा और पतला सब मिला के। ये बिना प्रधान के स्वीकृति के राम गोविंद प्रजापति और नियाज अहमद ने कटवा दिया। ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं, साफ सफाई के नाम पर अवैध काम की शिकायत हमने वहाँ चौकी सिराई चौकी में की और गहमर थाना इसको साहब के यहाँ भी किया था, अभी वन विभाग में भी किया है इसका शिकायत। गाजीपुर से नसीम खान की रिपोर्ट।